हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मजे में होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे मेरी तरह। ठीक है, तो चलो भाई, आज के सेशन में हम फटाफट के सेशन में क्या करने वाले हैं इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ताबड़तोड़ प्रश्न अब फिर से आज आ चुका है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ये हमारा कौन सा है, सेकेंड पार्ट। क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन और हमारे 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं इस आपके चौथे यूनिट से। चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब मैं ज्यादा लेक्चर दूंगी ना तो आप लोग बोलते हो कि अरे मैडम प्लीज आगे का भी बता दो, कितना लेक्चर मारते हो, है ना? कुछ लोग ऐसे भी है ना। तो देखो, इसमें मैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी डाली हुई हूँ, तो याद रखना 1 मार्क्स का क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि हर साल चेंज होते जाते हैं, लेकिन फिर मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए ये क्वेश्चन डाली हुई हूँ। ठीक है, तो चलो भाई कक्षा 12वीं के बच्चों फिर से तैयार हो जाओ मेरे साथ। 2 चैप्टर आपका है फिर से जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत प्रक्रम यूनिट 4 और उसके अनुप्रयोग के बारे में। चलो भाई पहला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न दिया भाई साहब सोनेरा 64 और लर्मा रोजा, सोनेरा 64 और लर्मा रोजा 64, एक किस पादप की प्रजाति है, कौन सा पौधा है। 2020 में ये प्रश्न आ चुका है, तो थोड़ा सा बेटा दिमाग को लगा लो। ठीक है, तो ध्यान देना ये क्या चीज है, ये सोनेरा और लर्मा रोजा दोनों ही गेहूं की ही प्रजाति है, प्लांट गेहूं है। ठीक है, यानी कि वीट का ही है ये, गेहूं का, और गेहूं की ये दोनों ही अलग अलग प्रजातियां हैं। ठीक है, कौन सा, सोनेरा, सोना सोना मत कर देना, सुन सुन बाबा सुन सुन, तो ये नहीं है भाई, ठीक है, सोनेरा है। ठीक, चलो सोलेना और लर्मा रोजा दोनों का हो गया, गेहूं हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पाजिनी ट्रांसजेनिक सुनहरा चावल में किस विटामिन की उच्च मात्रा होती है, ये बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जहां से क्वेश्चन आने की बिल्कुल भी संभावनाएं होती है 100%। ठीक है, चलो तो ट्रांसजेनिक जो सुनहरा चावल होता है, सुनहरा चावल पीले कलर का होता है, ध्यान रखना, नॉर्मल हम जो चावल खाते हैं वो व्हाइट होता है, हमको पता है। ठीक है, सुनहरा चावल जो होता है, सुनहरा नाम से ही लग रहा है ना, सुनहरा। ठीक है, तो सुनहरा जो चावल है येलो कलर का दिखाई देता है, मैं दिखाती हूँ डायग्राम, ये दिखा है, तो इसमें होता है विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सबको पता है। तो ये होता है क्या, आपके ट्रांसजेनिक सुनहरा। ट्रांसजेनिक मतलब होता है किसी के डीएनए को, दो प्रकार के आपके डीएनए को मिलाकर एक नए टाइप के डीएनए को बना देना, वो है ट्रांसजेनिक। ठीक है, तो जिसका डीएनए बहुत अच्छा होगा, जिसमें विटामिन की मात्रा बहुत अच्छी होगी, तो हम उसका क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देते हैं। अभी बताऊंगी ट्रांसजेनिक का पूरा चिट्ठा खोलने वाली हूँ कि क्या होता है, तो थोड़ा सा घबराइए नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा, जो पूछा वही अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो आगे करो भाई, ये हमारा गेहूं है, सुनहरा चावल देख लो भाई साहब, और ये अच्छा, ये हमारा सुनहरा चावल व्हाइट वाला, ये नॉर्मल है व्हाइट वाला। ठीक है, तो पीले कलर का दिखाई देता है, उसमें तो व्हाइट ही दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे भी। ठीक है, कोशिश करती हूँ ना दिखे। बीटी कपास में स्थानांतरित कीट प्रतिरोधी प्रोटीन का नाम क्या है, एकदम तो छा गया भाई साहब, ये तो एकदम तगड़ा हो गया, क्राई प्रोटीन होता है, क्राई प्रोटीन ध्यान रखेंगे। तो बीटी कपास जो होता है, ध्यान रखो बीटी का फुल फॉर्म में भी बताऊंगी, बीटी कपास ही क्यों बोली मैं, तो बीटी कपास में स्थानांतरित कीट प्रतिरोधी प्रोटीन का नाम क्या है, तो क्राई प्रोटीन है, याद रखोगे। अब क्राई प्रोटीन भी दो टाइप का होता है, क्राई एसी, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड लिखना, फिर ए बी लिखना। ठीक है, चलो अभी बताऊंगी कौन कौन सा, दिखा देती हूँ, पता चला बोल ही दे रहे हो दिखा नहीं रहे हो, दिखाती हूँ। निफ जीन जो है, NIF जीन किस सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, तो राइजोबियम। अच्छा, राइजोबियम का नाम आ गया तो एक चीज तो समझ आ गया है, ये बात करो वो दिन जब हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में सुना हुआ था। ठीक है, 11वीं में पढ़ाई कि नहीं, 10वीं पढ़ाई कि नहीं, याद करो वो दिन। ठीक है, तो राइजोबियम जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु होते हैं, राइजोबियम। ठीक है, अब ये कौन से फसल में पाया जाता है बेटा, तो याद रखोगे जितने भी लेग्यूमिनेसी अर्थात दलहनी जो फसल होते हैं उसमें ही ये पाए जाते हैं। ठीक है, दलहनी फसल में राइजोबियम, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है छोटा छोटा सा गांठ के रूप में। ठीक है, ये देखो इस तरीके से, इसी को हम लोग कहते हैं राइजोबियम कहते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट को नाइट्रोजन पहुंचा देता है। ठीक है, चलो तो समझ आ गया,
आगे देखो क्या लिखा है, प्रथम जंतु क्लोन कौन सा है, तो ये हमारी डॉली भेड़ है। भाई साहब डॉली कोई लड़की नहीं है, पता चला डॉली 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 करो, ठीक है, तो डॉली एक भेड़ है। अब क्लास में कोई डॉली नाम की लड़की होगी तो उसको भेड़ मत कह देना भाई, ठीक है, क्योंकि डॉली नाम की लड़कियां भी होती है। तो डॉली नाम की एक भेड़ थी, अब पेपर में भी आया इसलिए मैं रखी हूं। देखो ये बेचारी मासूम से दिखने वाली हमारी डॉली, ठीक है, वो क्या है, एक भेड़ है और इस ये क्लोन है, क्या है, क्लोन से जन्मी डॉली भेड़ होती है, क्योंकि ये पेपर में भी आया था इसलिए इसको याद रखने की थोड़ी सी जरूरत है भाई साहब, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है, गोल्डन राइस यानी कि गोल्डन धान, क्या भी पढ़े थे, गोल्डन राइस, गोल्डन सुनहरा चावल जिसको, अच्छा सुनहरा चावल का नाम क्या है भाई, वो भी देखना, ओराइजा सटाइवा चावल का नाम, ठीक है, एक किस्म है जो बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित की गई है, ये चीज को याद रखना। क्या है पूछा, तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित की, जीन्स का फेर बदल करके इसका तैयार किया गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है प्रश्न, वे जीन्स जिनके जीन्स हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं उन्हें क्या कहते हैं। भाई साहब हाथ में जीन्स पकड़ो और फेरबदल कर दो, वो जीन्स क्या कहला रहा है, ये कह रहा है, तो अब बता दो भाई, इसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी कि जीएमओ कहते हैं, हिंदी में अनुवांशिकता रूपांतरित जीव कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जीन को हम क्या करते थे, फेरबदल करते हैं और नया टाइप का जीव बना लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जैव प्रौद्योगिकी के सहयोग से तैयार की गई पीड़क फसलों के नाम बता दो भाई, कौन कौन से बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा नया नया प्लांट विकसित किया गया है जो पीड़कनाशी है। कोई भी पीड़कनाशी डाल दो, इंसेक्ट डाल दो, कोई भी आप केमिकल डाल दो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अभी तक तैयार हुई जो फसल कुछ देखते हैं क्या क्या है, जैसे बीटी कपास, कपास का एक पौधा, ठीक है, बीटी कपास जिसको कहते हैं, कपास के पौधे में एक जो आपका पीड़कनाशी आता है जिसको हम कहते हैं क्या, वॉलवर्म कहते हैं, और वॉलवर्म क्या करता है, इसको खत्म करने का, यानी कि वॉलवर्म एक प्रकार से हानिकारक है बीटी कपास के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते, अच्छा दिखा देती हूँ कुछ ऐसा समझा के, नहीं तो फिर बोलोगे मैडम इसको भी नहीं दिखा रही, तो ध्यान देना, ये क्या है आपका, मान लो जाए ये कपास का पौधा है, ठीक है, ये क्या है भाई साहब, कपास का हमने पौधा बना दिया, और कपास के पौधों को इन्फेक्ट करता है आपका वॉलवर्म, क्या है, वॉलवर्म, ठीक है। अब ये वॉलवर्म जो होते हैं, कीड़ा एक प्रकार का, कीट है एक प्रकार का, ठीक है, और वॉलवर्म क्या होता है, ये इस कपास के पौधे को क्या करता है, खत्म कर देता है, मतलब उसके लिए हानिकारक है एक प्रकार से, ठीक है। तो अब इसको हानिकारक ना हो इस कपास को, तो हम इस कपास के पौधे में एक बैक्टीरिया के जीन्स को डाल देते हैं, ठीक है। कौन सा जीन बैक्टीरिया है भाई साहब, उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस, बैसिलस थू रेन जी एसिस, ठीक है, क्या है, बैसिलस थूरेन जीएसिस एक बैक्टीरिया है, इसके जीन्स को हम क्या कर देते हैं, इस पर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, और इसी जीन्स को हम लोग बोलते हैं क्राई, अच्छा उस जीन्स में होता है एक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं क्राई प्रोटीन, ठीक है। अब ये जीन्स क्या करता है, इस वॉलवर्म के लिए वो हानिकारक होता है, और वो इसके कारण इस वॉलवर्म को, जब भी ये वॉलवर्म इसको खाता है, तो इसको ये जब खाएगा तो सीधी सी बात है, जैसे ये खाएगा, जो जब खाएगा तो इसका जो जो आपका पदार्थ है ना, एक प्रकार का वो जहर का काम करेगा इसके लिए, और जब जहर इसके पेट में स्टमक में जाएगा तो इसकी हो जाएगी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो सीधे सीधे बात है, अपने शब्दों में अभी इसको कह सकते हो कि वॉलवर्म जो होता है जैसे ही कपास के पौधे को खाएगा तो कपास में कौन सा बैक्टीरिया जो है बैसिलस थुरेंजिएसिस उसका जीन्स होता है, जिसकी वजह से उसमें एक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, और जिस जब भी इसको खाएगा तो उसकी डेथ हो जाती है, एक प्रकार का जहर का काम कर रहा है, क्योंकि इसके स्टमक यानी कि पेट पाचन तंत्र को ही खराब कर देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है भाई साहब, नेक्स्ट प्रश्न है, बीटी विष यानी कि बीटी टॉक्सिक प्रोटीन किसके द्वारा उत्पन्न होता है, अभी जस्ट बताई हूं, याद करो 2019 में आया है बैसिलस थुरेंजिएसिस, और यही वो बैक्टीरिया है जो आपको क्या कर रहा है, ये प्रोटीन दे रहा है, और क्या कर रहा है, प्रोटीन देगा, ठीक है। बैसिलस थुरेंजिएसिस ह्यूमिलिन की एक उपयोगिता बताना है, किस रोग के लिए करता है, अभी बताई थी ह्यूमिलिन, इंसुलिन याद करो, मधुमेह, डायबिटीज, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्या है भाई, उस जीवाणु का वैज्ञानिक नाम लिखे जिसमें बीटी जीव विष निर्मित होता है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस अभी जस्ट बताई हूं, और क्या बताऊं, फिर से रिपीट हो गया। तो आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा, क्योंकि जो भी प्रश्न बनते हैं इससे ही बनेंगे, और इससे ज्यादा आपका जैसे एक एक नंबर का जो क्वेश्चन बनता है ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। ज्यादा वो एकदम बहुत ज्यादा वो नहीं देगा, टफ नहीं देगा, ईजी ही देगा, ठीक है। तो ऐसे ही याद करना है आपको, याद रखना है और समझना भी है। तो चलो भाई, इसका अगर इसका आपको डिटेल पढ़ना है मेरे साथ में, तो जरूर आप इस एप्लीकेशन को, अभिप्सा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। आप प्ले स्टोर में जाएं और अभिप्सा एप्लीकेशन को वहां पर डाउनलोड करें, और हमारा पूरा वीडियो पूरे डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, मैं चलती हूँ, आज के लिए इतना काफी। आगे हम दो अंक की प्रश्नों की बात करेंगे, फिर तीन, फिर चार में कूद जाएंगे, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।